गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आज हम आपको डिमांड एंड सप्लाई वाला पूरा चैप्टर रिवाइज कराएंगे बिल्कुल शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में, जिससे कि डे बिफोर एग्जाम जब आपको अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करना हो और टाइम बहुत सारा ना हो तो फटाफट से हम लोग कैसे अपने इस चैप्टर का रिविजन कर सकते हैं। सिर्फ आप अपने मोबाइल पर इसे फटाफट से देखें और आधे घंटे से भी कम समय में पूरे चैप्टर को हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो हम किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं डिमांड और सप्लाई के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इजी चैप्टर, लेकिन अनडाउटेडली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिमांड एंड सप्लाई। पहले बात करेंगे डिमांड की और फिर बात करेंगे सप्लाई के बारे में। क्या होता है डिमांड? बहुत सिंपल सा, हम लोगों ने डिमांड के बारे में सबसे पहली चीज क्या पढ़ी थी, पहले हमने पढ़ा था मीनिंग। और डिमांड जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनाई जाती है, या जब तक तीन चीजें ना हो तब तक किसी भी डिमांड को क्रिएट वन नहीं माना जाता। पहला है डिजायर, दूसरा है विलिंगनेस, और तीसरा होता है परचेजिंग पावर, ठीक है। यानी हम जब कभी भी, अच्छा यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको थ्रू आउट द इकोनॉमिक्स ध्यान रखनी है, मतलब थ्रू आउट द इकोनॉमिक्स जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़े और खास तौर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स आप जब भी पढ़े तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट अगर हम इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं तो वो हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर या सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यानी जो सप्लायर है, जो प्रोड्यूसर है, उसका जो लुकआउट है वो आपको देखना है, उसके हिसाब से। तो वो थॉट दिमाग में रहना चाहिए। बायर के या कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी जाती, क्योंकि इकोनॉमिक्स का यूज प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर या जो भी सेलर है उसके लिए होता है, बायर के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो मैं अगर एक प्रोड्यूसर हूं और मैं कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करता हूं या करना चाहता हूं, तो मैं कब ये डिसाइड करूं या मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे क्या बनाना चाहिए और कितनी क्वांटिटी बनानी चाहिए, तो उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की, किस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी डिमांड है। और किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कब मानी जाती है, जब लोगों को उसको खरीदने में दिलचस्पी हो और विलिंगनेस भी हो, यानी वो उसके लिए पैसा खर्च करने को भी तैयार है और उनकी परचेजिंग पावर भी हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं BMW बनाता हूं, अब BMW पूरे भारत में 150 करोड़ लोग हैं और सारे लोग खरीदना चाहते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब मैं 150 करोड़ क्वांटिटी बना दूंगा कि नहीं? क्योंकि जो 150 करोड़ लोग खरीदना चाहते हैं उसमें से शायद 1% लोग ही ऐसे होंगे जो वाकई में उस पर पैसा खर्च करने को तैयार है, और उसमें से भी शायद 10% लोग ही ऐसे होंगे जिसके पास में उसे खरीदने के लिए पैसा भी है। तो मेरे लिए एक्चुअल डिमांड तो बस उतनी सी है, यानी 150 करोड़ में से 1% लोग, यानी 1.5 करोड़ लोग का भी 10%, यानी 15 लाख लोग, सिर्फ 15 लाख ही लोग हैं जो वाकई में खरीद पाएंगे, तो मुझे उन 15 के लिए बनानी है, ये कैलकुलेट करना होता है, इसको बोला जाता है डिमांड। तो डिमांड तीन चीजों से मिलकर बनेगी। पहली चीज है डिमांड के लिए डिजायर, यानी लोगों में उसे खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा, उसे खरीदने के लिए वो पैसे भी खर्च करने को तैयार है, यानी विलिंगनेस। और तीसरा, उसे खरीदने के लिए लोगों के पास में परचेजिंग पावर भी है। जब ये तीनों चीजें होंगी तो डिमांड बनेगी। अब सवाल आता है दूसरा, डिमांड में दूसरी चीज क्या है? डिमांड में दूसरी चीज है, क्या डिमांड अलग अलग चीजों से प्रभावित या इफेक्ट होती है डिमांड के डेटरिमेंट्स। अच्छा, यहां मैं थोड़ी बहुत हिंदी इसमें यूज करता हूं क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से हैं तो उनको थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाता है, वो चीजें आसानी से समझ जाते हैं और इससे इंग्लिश वाले बच्चों को कोई परेशानी नहीं आती। डिमांड के डिटरमिनेंट्स का मतलब क्या है? डिमांड के डिटरमिनेंट्स का मतलब है फैक्टर्स विच कुड इन्फ्लुएंस द डिमांड। यानी वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिनसे, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे किसी प्रोडक्ट की डिमांड पर फर्क पड़ता है, यानी जिनसे उसकी डिमांड कम ज्यादा हो सकती है। फैक्टर्स विच कुड इंक्रीज और डिक्रीज द डिमांड, तो उन फैक्टर्स की हम लोग बात करेंगे। अब ये फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इनमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है बेटा प्राइस। सबसे बड़ा फैक्टर है प्राइस ऑफ कमोडिटी, यानी जिस प्रोडक्ट को आप खरीद रहे हैं या जिस प्रोडक्ट को आप बना रहे हैं उसकी प्राइस क्या है। और ये याद रखिएगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर है बेटा, सबसे बड़ा फैक्टर। इसके बाद में दो छोटे फैक्टर्स आएंगे। दो छोटे फैक्टर्स कौन कौन से हैं? पहला है
उस प्रोडक्ट के लिए जो खरीदने वाले लोग हैं उनकी इनकम क्या है, यानी इनकम ऑफ कंज्यूमर, और इसी के साथ साथ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, यानी उस गुड्स की जो सप्लीमेंट्री गुड्स है, सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो, सॉरी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो उसके साथ यूज होती है, जैसे पेट्रोल और ऑटोमोबाइल होता है, पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी तो फोर व्हीलर की या टू व्हीलर की प्राइस की डिमांड कम हो जाएगी, या अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, पेट्रोल की प्राइस कम हो गई तो फिर ऑटोमोबाइल की डिमांड बढ़ जाएगी, इसी तरीके से होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, उस प्रोडक्ट की सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या अवेलेबल है, टी और कॉफी एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, अगर आज हम टी बेचते हैं या टी बनाते हैं तो अगर कॉफी की प्राइस कम हुई तो टी की डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि कॉफी की प्राइस कम होने से जो टी कंज्यूम करने वाले लोग हैं शायद वो कॉफी की तरफ शिफ्ट हो जाएं, या अगर कॉफी की प्राइस बढ़ी तो हमारे टी की डिमांड बढ़ जाएगी क्योंकि कॉफी कंज्यूम करने वाले लोग भी अब टी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो सेकेंडरी है, पहले नंबर पर ये आता है, दूसरे नंबर पर ये, और अब इसके बाद छोटे मोटे कई फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी प्रोडक्ट के डिमांड को इफेक्ट तो करते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, जैसे टेस्ट एंड प्रीफरेंस ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रीफरेंस क्या है, इसके अलावा क्लाइमेट कैसा है, जैसे सर्दियों का मौसम है तो उसमें गर्म चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, अदरवाइज गर्मियों में ठंडी चीजों की डिमांड ज्यादा होगी, तो क्लाइमेट कैसा है, पॉपुलेशन, अच्छा ये सारे फैक्टर डिमांड पे इफेक्ट तो डालते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालते। सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला जो फैक्टर है वो क्या है, वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी, वो है क्या बेटा, प्राइस ऑफ कमोडिटी, सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला वो है प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर, वो भी खास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज है लाइक इंडिया, यहां तो डिमांड पे प्राइस का बहुत इंस्टेंट इफेक्ट आता है, प्राइस थोड़ी सी बढ़ेगी डिमांड तुरंत कम होगी, प्राइस थोड़ी सी कम होगी डिमांड बहुत बढ़ेगी, सेल आप देखते ही हैं, जैसे ही सेल अनाउंस होती है हम पागल से हो जाते हैं ना, वो इसी का नतीजा है, प्राइस कम होती है आपको उसकी डिमांड जो है ज्यादा लगती है। अब तीसरी चीज आती है, दो चीजें एक साथ हम पढ़ने वाले हैं यहां पर, एक होता है लॉ ऑफ डिमांड और एक होता है डिमांड फंक्शन। देखो दोनों में क्या फर्क है, पहली चीज तो अभी अभी जस्ट आप ऊपर पढ़कर आए, आपने ऊपर पढ़ा डिमांड जो है इतनी, मैंने इसमें अलग क्यों करा था, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आपने प्राइस को अलग क्यों करा, एक साथ लिख देते 1 2 3 4 5 इतना सारा आपने क्यों बनाया। तो देखो मैंने कहा ना प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लॉ ऑफ डिमांड जो है बड़ा छोटा सा है, इट सेट्स आउट अ रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड इट्स डिमांड, डिमांड ऑफ कमोडिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप सेट करने का काम लॉ ऑफ डिमांड करता है। तो लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि प्राइस और डिमांड में क्या रिलेशन है, और इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो जब जब कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी उसकी डिमांड कम होगी, प्राइस कम होगी तो डिमांड बढ़ेगी, सिंपल सा है। डिमांड फंक्शन क्या है, डिमांड फंक्शन बिल्कुल डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड जैसा ही है, बिल्कुल लॉ ऑफ डिमांड जैसा, कोई फर्क नहीं, बस पर कितना है। अच्छा मेरा ये मानना है यहां होना क्या चाहिए था, ये भी रिलेशनशिप ही बताता है आपको, पर ये बताता है रिलेशनशिप बिटवीन बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अच्छा होना क्या चाहिए था, कई बच्चे पूछते हैं या मन में ये आ रहा होगा, सर यहां डिमांड फंक्शन में तो 1 2 3 4 5 इन पांच की ही बात करनी चाहिए थी, सबकी बात क्यों करी, क्योंकि प्राइस की बात तो लॉ ऑफ डिमांड में आ गई, अब बात तो बिल्कुल ठीक है, डिमांड फंक्शन में होना चाहिए था ऑल फैक्टर्स अदर देन प्राइस एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, लेकिन डिमांड फंक्शन जो है ना बेटा उसमें प्राइस को भी शामिल किया गया है, यानी क्यों, और रियल लाइफ में भी यही होता है, किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड, हमने ये आपसे जरूर कहा कि प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है, ये तो हमने आपसे बोला
कि प्राइस सबसे बड़ा फैक्टर है, बाकी फैक्टर्स थोड़े नीचे हैं। लेकिन हाँ, किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड मार्केट में डिसाइड होती है वो इन सारी चीजों को ध्यान में रख के की जाती है, किसी भी एक चीज को रख के नहीं की जाती। यानी डिमांड जो डिसाइड होगी वो सारे फैक्टर्स को जॉइंटली रखा जाएगा और जॉइंटली रखने के बाद ही उस प्रोडक्ट का डिमांड डिसाइड किया जाएगा, राइट। तो इसलिए डिमांड फंक्शन कहता है कि खाली प्राइस के बेसिस पे डिमांड नहीं कैलकुलेट कर सकते, सबका ध्यान रखना पड़ेगा, सारे फैक्टर्स। तो इट टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ द कमोडिटी, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिमांड ऑफ कमोडिटी, इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को कौन बताता है? डिमांड फंक्शन। लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस और उस प्रोडक्ट की डिमांड का ही रिलेशनशिप बताता है और कुछ नहीं बताता, राइट। ये फर्क होता है लॉ ऑफ डिमांड में एंड डिमांड फंक्शन में। लॉ ऑफ डिमांड का तो हम, अच्छा यहां पे मैं तो आपको ये भी नहीं बता सकता, जैसे यहां तो बता दिया प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड, यहां तो ये भी नहीं बता सकता क्योंकि यहां तो सबका जॉइंट इफेक्ट देखा जाता है और सब में अलग अलग होता है। प्राइस में क्या होता है? प्राइस बढ़ रही है डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ता है, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है। यहां उल्टा है, प्राइस में है प्राइस बढ़ी डिमांड कम, प्राइस कम हुई डिमांड अप। इनकम वाले में क्या होगा? इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ेगी, इनकम कम हुई डिमांड भी कम होगी। तो यहां पर सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के किसी भी प्रोडक्ट की फाइनल डिमांड निकाली जाती है। फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए अभी लोगों के पास जैसे बोनस आता है, जिस समय दिवाली पर क्यों सेल निकाली जाती है, दिवाली पर सेल इसलिए निकाली जाती है लोगों को बोनस मिलता है, इनकम बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ेगी, प्राइस कम कर दोगे तो डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। दोनों फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो हम बहुत सोच समझ के सेल निकालते हैं। प्राइस इनकम भी बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम करूंगा तो भी डिमांड बढ़ेगी, दोनों एक साथ लगा दो दिवाली के टाइम पर सेल निकाल दो। तो जब एक्चुअल में डिमांड कैलकुलेट करते हैं उस समय हम सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हैं, राइट। लॉ ऑफ डिमांड का अगर आप छोटा सा कर्व बनाते तो ये कुछ इस तरीके का बनता, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिमांड का अगर हम कर्व बनाते तो ये कुछ इस तरीके का बनता ऐसे। क्यों? क्योंकि यहां पर हम लेते हैं प्राइस और यहां हम लेते हैं क्वांटिटी, और जैसे जैसे प्राइस कम होती जाएगी डिमांड बढ़ती जाएगी। प्राइस को हमने और कम करा डिमांड और बढ़ गई, प्राइस को और कम करा डिमांड बढ़ गई, प्राइस को बढ़ा दिया तो डिमांड कम हो जाएगी। तो मान लीजिए अगर आपकी एक डिमांड ऐसे है तो जैसे ही हमने प्राइस को 3 से 2 करा डिमांड हमारी 30 से 40 हो गई, 2 से 1 करा डिमांड 40 से 50 हो गई, लेकिन जब हमने 3 से 4 करा तो हमारी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी, राइट। यानी वो 30 से कितनी रह गई? 20 ही रह गई। 5 कर दोगे तो शायद और कम हो जाएगी। ये हमारा लॉ ऑफ डिमांड है। और डिमांड फंक्शन हमें क्या बताता है? इट टेल्स यू द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड डिमांड। और रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में यही काम में आता है। ये सिर्फ तभी काम में आता है जब आप ऐसा कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिसके बारे में मार्केट में प्राइस के अलावा कोई और फैक्टर काम ही नहीं करता, ये तभी लगेगा, अदरवाइज नहीं, राइट। चौथी चीज हमने क्या पढ़ा था? चौथी चीज हमने पढ़ी थी एक डिमांड शेड्यूल, एक हमने पढ़ा डिमांड शेड्यूल, ठीक है। और डिमांड शेड्यूल और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में एक छोटा सा रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले हम बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की। डिमांड शेड्यूल आपको बताता है क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस, क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पर क्वांटिटी डिमांड क्या रहेगी? अलग अलग प्राइजेस पर क्वांटिटी डिमांडेड, यानी किसी भी एक प्रोडक्ट को अलग अलग प्राइस पे देखें तो उसकी क्या डिमांड होती है, उसको बोला जाता है क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसकी जरूरत क्यों होती है? मैं मैन्युफैक्चरर हूं या सेलर हूं या प्रोड्यूसर हूं, तो मुझे गुड्स बनानी है तो मुझे अपने प्रोडक्ट की प्राइस तो डिसाइड करनी पड़ेगी ना। तो मुझे पता तो हो कि किसी प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखूंगा तो मार्केट में डिमांड कितनी होगी, तो मार्केट में सर्वे करवाते हैं और सर्वे कराकर हम लोग मालूम करते हैं। अब ये क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइसेस, ये बेसिकली बेस्ड होता है ऑन मार्केट सर्वे या फिर किसी एक्सपर्ट से एडवाइस लेते हैं, ठीक है ना। और एक्सपर्ट एडवाइस, उनसे पूछते हैं कि अलग अलग प्राइस पर डिमांड क्या होगी, तो मार्केट में हमको पूछना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, दो तरीके से पूछते हैं। एक बनाते हैं इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बेटा क्या होता है? ये बायर वाइज बनता है, सिंगल बायर वाइज, यानी
क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस बाय अ कंज्यूमर, यानी एक सिंगल कंज्यूमर, ये ऑल्दो कुछ काम नहीं आता, जैसे फॉर एग्जाम्पल ₹5 की प्राइस पर उसने 50 क्वांटिटी डिमांड करी ₹4 पे, 60 ₹3 के ऊपर, 70 ₹4 के ऊपर, 80 ₹5 के ऊपर, 90 तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है ये एक पर्सन की है, लेकिन लेकिन इससे तो देखो हमारा काम नहीं होगा ना, हम किसी एक कंज्यूमर के लिए तो बना नहीं रहे, हम किसके लिए बना रहे हैं, हम तो पूरे मार्केट के लिए बना रहे हैं। तो कंपनी क्या करती है, बहुत सारे लोगों से पूछती है। अब नेचुरली जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं शायद उसको खरीदने वाले लोग 10 करोड़ होंगे या 20 करोड़ होंगे, तो 10 या 20 करोड़ लोगों से तो नहीं पूछ सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ लोगों से पूछते हैं, सबसे तो नहीं पूछ सकते तो कुछ लोगों से पूछते हैं, और कुछ लोगों से पूछकर हम लोग अपना, और उन कुछ लोगों से ही हम मान लेते हैं मार्केट, 10 करोड़ लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो 10 करोड़ से तो नहीं पूछूंगा ना कि वो कितनी प्राइस पे कितना खरीदना चाहेंगे, तो 100, 50 इसको सैंपल बोला जाता है, 100, 50, 200, 500, 1000 लोगों का एक सैंपल बनाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं और ये मान लेते हैं कि सारे लोगों का यही व्यू होगा, राइट। तो मार्केट डिमांड शेड्यूल आपको क्या बताता है, ये बताता है क्वांटिटी डिमांडेड एट डिफरेंट प्राइजेस बाय डिफरेंट कंज्यूमर्स। अब यहां हम जो है एक कंज्यूमर से नहीं पूछेंगे, हम बहुत सारे कंज्यूमर से पूछेंगे, तो इसमें क्या रहेगा, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है, और प्राइस में फॉर एग्जाम्पल ₹5 की प्राइस, अब यहां पे जो है कंज्यूमर बहुत सारे रहेंगे, मैं तो एग्जाम्पल में तीन ही ले रहा हूं, ए बी और सी, और प्राइस मान लीजिए ₹5 है, तो ए डिमांड करता है 50, ये शायद 55 डिमांड करता होगा, ये 46 डिमांड करता है, ₹4 की प्राइस पे डिमांड तो तीनों की बढ़ेगी क्योंकि प्राइस कम हो गई, इसके डिमांड हो गई 65, इसके डिमांड हो गई 57, ₹3 पर इसकी डिमांड हो गई 70, इसकी हो गई मान लीजिए 75, और इसकी जो है ये हो गई 69 एंड सो ऑन, ₹4 की पे 80 और 84 एंड दिस इज फॉर एग्जांपल 76 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या बन गया, मार्केट डिमांड शेड्यूल, बस इतना सही फर्क है मार्केट डिमांड शेड्यूल और, लेकिन काम यही वाला आएगा, काम मार्केट डिमांड शेड्यूल ही आएगा। कंपनी, अब कंपनी क्या करती है, इसको सम करती है, इसको जोड़ लेती है ना टोटल, और ये जो टोटल का फिगर आ रहा है ना, इससे कंपनी डिसाइड करती है कि ₹5 के ऊपर हमारी टोटल इतनी क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए ये तीन लोगों का है तो तीन, ये टोटल निकाला, और इसके बेसिस पर फिर प्रेडिक्शन करती है पूरे के लिए कि अगर 10 करोड़ लोग हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं तो ₹5 की प्राइस पर इतनी क्वांटिटी हमारी बिक जाएगी, इसे बोला जाता है मार्केट डिमांड शेड्यूल। अनडाउटेडली ये बहुत काम का है क्योंकि कंपनी इसी के बेसिस पर अपना डिसीजन लेती है, और डिमांड शेड्यूल से ही कुछ कुछ मिलता जुलता सा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। क्यों, डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में और डिमांड शेड्यूल में क्या डिफरेंस है, डिमांड शेड्यूल में एक प्रॉब्लम था, आपने ऐसे अलग अलग बताया ₹5 की प्राइस पर कितना रहेगा और ₹4 की प्राइस पे कितना रहेगा, ₹3 की प्राइस पे कितना रहेगा, अब मुझे अलग अलग प्राइसेस पे अलग अलग क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा, अब मुझे मान लो ₹6 की प्राइस पे मालूम करना है, फिर मुझे किसी से इनपुट लेना पड़ेगा, मतलब फिर मार्केट सर्वे कराओ, ₹7 की प्राइस पर पूछना है फिर मुझे सर्वे कराना पड़ेगा, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो गया जब भी किसी नई प्राइस की मैं बात करता हूं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड निकालने के लिए मैं क्या करूं। तो इसलिए हमने एक छोटा सा काम करा, क्यों ना हम लोग ऐसा कोई रिलेशनशिप सेट कर दें, ध्यान से सुनिएगा जरा, हम कोई ऐसा रिलेशनशिप सेट कर दें कि मैं किसी भी प्राइस पर कैलकुलेशन करना चाहूं तो मैं कर सकूं। अभी तो क्या हो रहा है, आपने मार्केट में सर्वे कराया, ₹5 की प्राइस पर इतनी डिमांड, ₹6 की प्राइस पर इतनी डिमांड, या ₹4 की प्राइस पर इतनी डिमांड, अब मुझे अगर ₹7 की प्राइस पर कैलकुलेट करना है मैं क्या करूं, फिर जाके मार्केट में सर्वे करूंगा क्या, मुझे ₹8 की प्राइस पे निकालना है मैं क्या करूं, फिर से सर्वे करूंगा क्या, नहीं। हमने सोचा कि ऐसा कोई रिलेशनशिप बता दिया जाए तो कितना आसान हो जाए कि अगर फॉर एग्जांपल इतने परसेंट प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड इतने परसेंट कम हो जाएगी, तो आप हमें ये परसेंटेज वाला रिलेशनशिप बता दो तो हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। इतने परसेंट अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो इतने परसेंट डिमांड बढ़ेगी या कम होगी एज द केस में, ये अगर आपने हमें रिलेशनशिप बता दिया तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा, हम शायद
बेहतर तरीके से ये इवैल्यूएशन कर पाए। तो इन्होंने क्या बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर, इट टेल्स यू अबाउट द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन राइट प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट से हमारा बेसिकली मतलब होता है परसेंटेज, वैसे प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है कितने प्रोपोर्शन में चेंज होगी। तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, ठीक है। एंड अब यहां पर मैं क्या रखूंगा, मैं यहां वो फैक्टर्स रखूंगा जिनकी वजह से डिमांड में चेंज हो सकता है, मेजर फैक्टर प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस या फिर इनकम और या फिर प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है बेटा। प्राइस ऑफ, क्योंकि ये तो देखना पड़ेगा ना, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, यानी अगर इनमें से कोई एक ही लिया जाएगा एक बार में, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस यानी प्राइस में कितना चेंज होगा तो डिमांड में कितना चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस 5% बढ़ी, अब ये तो मुझे पता है कि प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड तो कम होगी, लेकिन एक रिलेशनशिप तो पता चले कि प्राइस अगर 5% बढ़ेगी तो डिमांड 4% कम हो जाएगी, प्राइस 5% बढ़ती है तो डिमांड लगभग 15% कम हो जाती है। अब मेरे लिए आसान क्या हो गया, मैं किसी भी प्राइस पे कैलकुलेट कर सकता हूं, यानी अगर आज प्राइस 5 रुपए है और डिमांड 100 रुपए है, और मुझे पता है अगर मैं प्राइस को 20% बढ़ा दूंगा, या सॉरी प्राइस को अगर मैं 10% बढ़ा दूंगा या 20% बढ़ा दूंगा फॉर एग्जांपल, तो डिमांड लगभग 40% कम हो जाएगी। तो मैंने प्राइस को 5 से 6 रुपए करा, 5 से 6 करने का मतलब डिमांड मेरी, प्राइस मेरी 20% बढ़ गई, तो डिमांड मेरी कितनी कम हो जाएगी, 40%। अभी मेरी क्वांटिटी कितनी डिमांडेड है मार्केट में, 100, सीधी 40% कम हो जाएगी, मतलब प्राइस को 5 से 6 रुपया करते ही डिमांड 100 से 60 रुपए पर आ जाएगी। कितना आसान काम हो गया, प्राइस मैंने कर दी 7 रुपए, 7 रुपए कर दी, मतलब 5 से 7 करने का मतलब मैंने प्राइस को 40% बढ़ा दिया। जब मैं प्राइस को 20% बढ़ाता हूं डिमांड कितनी कम होती है, 40%। अगर मैं प्राइस को 40% बढ़ाऊंगा तो डिमांड कितनी कम हो जाएगी, 80%। यानी प्राइस 5 से अगर मैंने 7 रुपए कर दी तो मेरी डिमांड 100 से सीधी कितनी आ जाएगी, 80। कितना आसान हो गया ना कैलकुलेट करना। ये फायदा होता है इलास्टिसिटी को यूज करने का। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपको क्या बताता है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एक तरफ, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या रहेगा, दूसरी तरफ हमारे पास रहेगा प्रोपोर्शनेट चेंज इन जो भी आप फैक्टर ले रहे हैं, और तीन ही हमारे मेन फैक्टर्स हैं इसलिए हम तीन ही फैक्टर्स को लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। वो है प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स और प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, राइट। तो इसको हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से कैलकुलेट करते हैं। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है, यहां पर आपको इतना तो देख के समझ में आ रहा है कि तीन तरह की इलास्टिसिटी हो सकती है। तो इलास्टिसिटी ऑफ, क्योंकि हमने तीन ही फैक्टर्स लिए हैं, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी, पहला प्राइस इलास्टिसिटी, इट कैन बी प्राइस इलास्टिसिटी, और इट कैन बी इनकम इलास्टिसिटी, और इट कैन बी क्रॉस इलास्टिसिटी। क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब, क्रॉस इलास्टिसिटी का मतलब है कि प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं उनकी प्राइस, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। जब गुड्स प्राइस किसी और गुड्स की चेंज हो रही है, डिमांड अपनी चेंज हो रही है, प्राइस चेंज हो रही है सप्लीमेंट्री गुड्स की, डिमांड अपनी कम हो रही है। यानी अगर सप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ी तो अपनी डिमांड कम, सप्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस कम हुई तो अपनी डिमांड बढ़ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस बढ़ेगी अपनी डिमांड कम हो जाएगी, ऐसा करते ना हम लोग। तो ये जो रिलेशनशिप है हमारा, इसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी बेटा तीन ही होंगी, या तो प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, बोले तो प्राइस इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम इलास्टिसिटी, प्रोपोर्शनेट चेंज इन द डिमांड एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स, क्रॉस इलास्टिसिटी, राइट। अच्छा, अब इलास्टिसिटी के मेजर करते समय कितने आउटपुट आ सकते हैं, यानी हाउ मैनी मेजर्स ऑफ
इलास्टिसिटी कुड बी देयर, यानी इलास्टिसिटी के कितने तरह के मेजरमेंट हो सकते हैं। देखो बेटा, इलास्टिसिटी 5 तरह की हो सकती है, यानी जब आप इलास्टिसिटी मेजर करोगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आराम से सुनिएगा, एक बार में समझ में आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगी, बहुत ही आसान है, राइट। इलास्टिसिटी खत्म होती है डिमांड पूरा खत्म, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में अगर हम बात करें तो 5 पॉसिबिलिटीज, ध्यान से सुनिएगा। पहला, मैं प्राइस से समझा रहा हूं, सेम चीज इनकम में भी लगेगी, सेम चीज क्रॉस में भी। पहला होता है यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिटरी इलास्टिसिटी का मतलब कि जितने प्रपोर्शनेट चेंज प्राइस में हो रहा है उतने ही प्रपोर्शनेट चेंज डिमांड में हो रहा है, यानी प्राइस भी 10% बढ़ रही है तो डिमांड कम होगी, ये तो पता है, प्राइस बढ़ेगी डिमांड कम होगी, ये हम नहीं पढ़ रहे, ये तो हम लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ चुके। हम बोल रहे हैं कि अगर प्राइस 10% बढ़ती है तो डिमांड भी हमारी कितनी कम हो गई, 10% कम हो गई, यानी हमारी इलास्टिसिटी प्रोपोर्शनल चेंज दोनों में बराबर है, राइट। इसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, मतलब चेंज इन प्राइस इक्वल्स टू चेंज इन डिमांड। ये चेंज का मतलब मैंने इंक्रीज नहीं बोला, चेंज का मतलब इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी हो सकता है, प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड कम होगी, ये तो कंफर्म है, लेकिन प्राइस अगर 10% चेंज होगी तो डिमांड भी 10% कम हो गई, प्राइस अगर 10% कम हुई तो डिमांड भी 10% बढ़ जाएगी, यानी प्रोपोर्शनेट जो चेंज है वो प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस एंड प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, ये दोनों क्या है बेटा, बराबर है। दूसरी पॉसिबिलिटी, हो सकता है प्राइस में चेंज कम होता हो डिमांड में चेंज ज्यादा होता हो, यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस इज ग्रेटर देन प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस 10% से बढ़ी, अब प्राइस अगर बढ़ेगी तो डिमांड कम तो होगी, ये कंफर्म है, लेकिन प्राइस 10% से इंक्रीज हुई तो डिमांड जो है वो 10% से ज्यादा कम हो रही है, जैसे 12% कम हो रही है या 15% कम हो रही है, 18% कम हो रही है, कम तो होगी, प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन प्राइस बढ़ रही है 10% से और डिमांड कम हो रही है, लेकिन उसका कम होने का जो परसेंटेज है वो 10 से भी ज्यादा है, 12% कम हो रही है या 15% कम हो रही है, इस वाली इलास्टिसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिवली इलास्टिक। और रिलेटिवली इलास्टिक को हम लिखाते हैं ऐसे। तीसरा, हो सकता है आपकी इलास्टिसिटी में प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस जो है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस ये कम है लेकिन डिमांड में ज्यादा हो रहा है चेंज, मतलब प्राइस 10% से बढ़ गई, अब प्राइस बढ़ी तो डिमांड कम होगी, ये तो हमें पता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये तो हमें पता है, लेकिन प्राइस 10% बढ़ी डिमांड कम हुई 4% 5% 8%, यानी उसमें जो चेंज है वो 10% से कम है, 10% मैंने इसलिए पकड़ा क्योंकि प्राइस में चेंज 10%, यानी यहां पे जो इलास्टिसिटी है वो इलास्टिसिटी इन इलास्टिक है, लेकिन जीरो तो नहीं है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिवली इन इलास्टिक, यानी यहां प्राइस में चेंज होने से डिमांड में चेंज होता है। अच्छा, मैं यहां जहां प्राइस लिख रहा हूं वहां पर आप इनकम भी लिख सकते हैं, वहां आप प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री या सब्स्टिट्यूट गुड्स भी लिख सकते हैं अगर क्रॉस इलास्टिसिटी है तो। क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि प्राइस में तो चेंज हो रहा है पर डिमांड में कोई चेंज ही नहीं हो रहा? हाँ, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जहां पे नो चेंज इन, यानी प्राइस में हम कितना भी चेंज कर लें, नो चेंज इन डिमांड, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या,
एक मिनट रुकिएगा, इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक, यानी प्राइस में कितना भी चेंज कर लें डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो यहां पर इलास्टिसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। उल्टा भी हो सकता है, उल्टा मतलब नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा लेकिन स्टिल डिमांड इज चेंजिंग, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक। और यहां पे इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, क्योंकि डिमांड बढ़े ही जा रही है या कम ही हो ही जा रही है, प्राइस में कोई चेंज ही नहीं है फिर भी डिमांड कम ज्यादा हो रही है, तो इसको बोला जाता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। आ रही बच्चों बात समझ में? तो ये पांच तरह के डिमांड के, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हमारे पॉइंट्स होते हैं। और अब आता है इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के मेथड्स, यानी मेथड्स टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी। तो कुल मिलाकर हमारे पास चार मेथड हैं, जिसमें से सबसे अच्छा, सबसे कॉमन, सबसे इजी मेथड होता है परसेंटेज मेथड, जो आपने अभी अभी पढ़ा। इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए सबसे अच्छा जो तरीका है वो होता है परसेंटेज मेथड, यानी प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय, सॉरी, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यहां पे एक परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे और इसे निकालना बड़ा आसान है, ये सबसे अच्छा तरीका है, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, और प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड को हम डिवाइड कर देंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस से। प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, अच्छा इसे आप ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे चेंज कैसे निकालेंगे, प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड कैसे निकालेंगे, इट इज न्यू डिमांड माइनस ओल्ड डिमांड, ठीक है जी। इसको पूरे को अपन ने डिवाइड कर दिया ओल्ड डिमांड से, और इसी तरीके से हम निकाल लेंगे प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। तो कैसे निकालेंगे बेटा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस, ठीक है बेटा, बस आसान मेथड है। दूसरा मेथड क्या होता है, टोटल आउटले मेथड। टोटल आउटले मेथड में क्या बोलते हैं, वो कहते हैं आप ना कंपेयर किसमें करो, चेंज इन प्राइस एंड, अभी तक आप किसमें कंपेयर कर रहे थे, चेंज इन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, वो कहते हैं चेंज इन प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर। आउटले का मतलब होता है एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय कंज्यूमर, यानी आप ये मत देखो उसने कितनी क्वांटिटी से प्राइस हमने कम करी, तो आप ये मत देखो कि उसने कितनी क्वांटिटी ज्यादा खरीदी, आप ये देखो टोटल उसने कितना खर्चा करा। प्राइस अगर हमने कम करी तो उसने कितना टोटल खर्चा कम करा, ये आपको देखना है, या अगर प्राइस आपने कम करी है तो उसने टोटल कितना खर्चा बढ़ाया, ये आपको देखना है। इसको कहते हैं टोटल आउटले मेथड। इसी तरीके से पॉइंट मेथड ऑफ इलास्टिसिटी था। पॉइंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना एक डिमांड कर्व बना देते हैं और उस डिमांड कर्व के अलग अलग पॉइंट्स पर हम लोग इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक पॉइंट बनता है, ठीक है, और यहां पर इलास्टिसिटी हम पकड़ते हैं जीरो, और इस तरीके से हम लोग कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। पॉइंट मेथड के अंदर जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है लोअर सेगमेंट
होल डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ठीक है। और अब आपको ये लोअर और अपर सेगमेंट कौन सा लेना है, अगर मान लीजिए मैंने ये पॉइंट पकड़ा है तो मेरा ये पूरा नीचे का सेगमेंट हो गया लोअर सेगमेंट, ऊपर का कहलाएगा अपर सेगमेंट। तो इस पॉइंट से नीचे की अब ये आपकी डिमांड है 10, 20, 30, 40 और मान लीजिए 50 ऐसे 100। तो थोड़ा सा और मैं 10, 20, 30, 40 और 50 तो अगर इस पॉइंट से पकड़ू तो मेरी जो डिमांड है वो लगभग दोनों जगह बराबर रहेगी, ठीक है ना। बराबर कैसे रहेगी, बराबर ऐसे रहेगी, उदाहरण के तौर पे ये है 10, ये है 20, 30, 40 और 50। तो इस पॉइंट पर अगर देखूं तो मेरी जो डिमांड है लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट की, तो वो 25 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 1, राइट। यहां पर इलास्टिसिटी मेरी रहेगी, सॉरी 1। अब आप कोई सा भी पॉइंट अगर पकड़ते हैं, जैसे आपने ये पॉइंट पकड़ा, तो यहां पर आपका इलास्टिसिटी, हम वही लोअर अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट की डिमांड कितनी है 50 और अपर सेगमेंट की डिमांड है 0, और अगर 50 को किसी चीज से डिवाइड करेंगे 0 से तो ये आएगा 0। इसी तरीके से इस पॉइंट पर देखेंगे तो हमारा लोअर सेगमेंट जो है वो है 0 और अपर सेगमेंट कितना है 50, तो ये आ जाएगा 0। तो यहां पे इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0। मान लीजिए आपने इधर किसी पॉइंट पे पकड़ा, मान लीजिए आपने इस पॉइंट पे पकड़ लिया, तो इस पॉइंट पर ये हमारी डिमांड है 40। तो इस वाले पॉइंट पर अगर मैं कैलकुलेट करूं तो लोअर सेगमेंट की डिमांड है 10, अपर सेगमेंट की डिमांड है 40। इस पॉइंट से लेंगे, अपर सेगमेंट इसके ऊपर का है, तो यहां पर हमारी इलास्टिसिटी बहुत ही कम आएगी, 0.25 आएगी लगभग। तो यहां पे इलास्टिसिटीज लेस देन 1 हो गई, यहां पे तो दिख ही रहा है इलास्टिसिटीज इक्वल्स टू 0, यहां पे इलास्टिसिटीज इक्वल्स टू इंफिनिटी। इसी तरीके से अगर आपने यहां कोई पॉइंट पकड़ा, फर्ज कीजिए आपने ये पॉइंट पकड़ा, तो यहां आपकी जो इलास्टिसिटी है वो लोअर सेगमेंट में है 40, अपर सेगमेंट में है 10, यह आएगा 4। तो यहां इलास्टिसिटी ऑफ प्राइसेस ग्रेटर देन 1 है। इस तरीके से पॉइंट मेथड में कैलकुलेट किया जाता है। और आखिरी मेथड हमारा जो होता है वो होता है आर्क मेथड। और उस आर्क मेथड में हम लोग क्या करते हैं, उस आर्क मेथड में जो पहले वाला आपने फॉर्मूला लगाया था वो सेम ही रहेगा, उसे एज इट इज यूज किया जाता है, बस छोटा सा चेंज है। वहां पे हम जो ओल्ड माइनस न्यू कर, न्यू माइनस ओल्ड करते थे, उनको जोड़ दीजिएगा, यानी यहां पे न्यू डिमांड प्लस ओल्ड डिमांड द होल डिवाइडेड बाय ओल्ड डिमांड, न्यू प्राइस प्लस ओल्ड प्राइस होल डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, ठीक है बेटा। तो ये हमारा, बस हमने क्या करा यहां पे न्यू और ओल्ड डिमांड को माइनस करने के बजाय जोड़ के निकाल दिया। दीज आर द 4 मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द इलास्टिसिटी, ठीक है। अब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की इंपॉर्टेंस क्या है, देखो हमको बहुत सारे डिस्टेंस लेने होते हैं, जैसे आपके कोई ऐसा प्रोडक्ट, जब हमें किसी प्रोडक्ट की प्राइस फिक्स करनी, तो देखना पड़ेगा ना किसी प्रोडक्ट की अगर इलास्टिसिटी ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब है अगर उसकी प्राइस में जरा सा भी चेंज किया जाता है तो डिमांड में बहुत चेंज हो जाता है, तो ऐसे केस में हम लोग उसकी प्राइस को ज्यादा छेड़ नहीं सकते। किसी प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कम है, यानी अगर उसकी प्राइस को हम चेंज करते भी हैं तो डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, या तो उस केस में आप प्राइस ज्यादा भी फिक्स कर सकते हो क्योंकि आपको पता है प्राइस चेंज कर भी दूंगा तो डिमांड में फर्क नहीं पड़ेगा। यदि आप मोनोपोलिस्ट हैं तो आप जिस मार्केट में आपकी मोनोपोली है वहां पे आप प्राइस ज्यादा रखें क्योंकि वहां पे इलास्टिसिटी कम होगी, आपकी मोनोपोली है, चूंकि मोनोपोली है तो आपके अलावा कोई और बेचने वाला ही नहीं है, तो आप प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा भी देंगे तो भी लोग खरीदेंगे, तो वहां पे मेरे प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी कम है, वहां पे प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे फर्क या तो पड़ेगा नहीं या तो कम पड़ेगा, तो मैं भाई वहां पे ज्यादा रख सकता हूं। इसी तरीके से इनपुट फैक्टर्स हैं, अगर इनपुट फैक्टर्स की इलास्टिसिटी कम है मतलब अगर उनको हम उनको प्राइस कम भी पे करेंगे तो भी वो हमारे पास ही आएंगे, उनकी सप्लाई में डिमांड में कोई चेंज नहीं होगा, तो मैं इनपुट फैक्टर्स को कम पैसा दूंगा वरना ज्यादा दूंगा। इसी तरीके से
इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट की इलास्टिसिटी ज्यादा है मतलब आपने अगर प्राइस को थोड़ा सा भी बढ़ाया तो इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा कम ज्यादा हो जाती है, तो ऐसे केसेस में आप ज्यादा प्राइस फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पे हमें इलास्टिसिटी का यूज होता है, इलास्टिसिटी हमारे काम में आती है, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहां तक कोई मेरे हिसाब से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और डिमांड के बारे में यहां पर हमने सारी बातें डिस्कस कर ली है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे मैराथन क्लास में लॉ ऑफ सप्लाई की, यानी सप्लाई के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे हम लोग। सप्लाई कैसे काम करती है, क्या सप्लाई का मतलब होता है, और कैसे सप्लाई फंक्शन और सप्लाई शेड्यूल काम करता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिमांड के बारे में कि डिमांड क्या होती है, डिमांड के सारे फैक्टर्स, इलास्टिसिटी एंड ऑल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सप्लाई। सप्लाई के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, जिससे कि आप जल्दी से सप्लाई को रिवाइज कर सके एग्जाम से पहले। सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब एक ऐसा कॉमन वर्ड है जिसके बारे में सबको पता है कि सप्लाई का मतलब क्या होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में सप्लाई का जो मीनिंग है वो थोड़ा सा अलग होता है। और इकोनॉमिक्स में सप्लाई का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स में सप्लाई का मतलब है द गुड्स विच आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड, विच आर प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल इन द मार्केट, ठीक है ना, सेल इन द मार्केट। अच्छा, मार्केट में भी मुझे क्या लिखना चाहिए? सेल इन स्पेसिफाइड मार्केट, ठीक है बच्चों, सेल इन स्पेसिफाइड मार्केट एट स्पेसिफाइड प्राइस, ठीक है बेटा, एट स्पेसिफाइड टाइम। तो यदि आपने स्पेसिफाइड मार्केट में स्पेसिफाइड की जगह आप पर्टिकुलर वर्ड भी लिख सकते हैं, इन अ पर्टिकुलर मार्केट एट अ पर्टिकुलर प्राइस एट पर्टिकुलर टाइम, तो वो अगर आपने गुड्स को मैन्युफैक्चर करा लेकिन आप सेल नहीं करना चाहते तो इकोनॉमिक्स में उसे फिर हम लोग सप्लाई का नाम नहीं देते। यानी जब तक उस गुड्स को सेल करने के लिए नहीं बनाया गया then it cannot be treated as supply. So to make it supply, it is very important कि आपने उसको मार्केट में बेचने के लिए बनाया है एक स्पेसिफाइड प्राइस पर स्पेसिफाइड टाइम प्रोफाइल के अंदर अंदर। तो ये हमारा सप्लाई का मीनिंग है। अब जो दूसरी बात आती है वो आती है सप्लाई किन चीजों से मिलकर बनती है, या जिसे हम लोग बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, यानी सप्लाई का कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे सप्लाई पर इफेक्ट आता है, राइट, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो विच आर द फैक्टर्स विच कुड अफेक्ट द सप्लाई, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है। सबसे पहली चीज प्राइस ऑफ द गुड्स, मैंने आपको पहले ही कहा था, डिमांड वाले में भी समझाया था, जो गुड्स हम बेच रहे हैं उनकी प्राइस हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यानी किसी भी प्रोडक्ट की जो सप्लाई है वो कम होगी या ज्यादा होगी वो उसकी प्राइस पर डिपेंड करती है, और इस प्राइस ऑफ गुड्स से ही हमारा लॉ ऑफ सप्लाई बनता है। लॉ ऑफ सप्लाई हमारा क्या बोलता है? लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड था बिल्कुल वैसे ही लॉ ऑफ सप्लाई है। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, वो कहता है बाकी सब चीजों को आप इग्नोर कर दो, उसको भूल जाओ, सिर्फ प्राइस। यही लॉ ऑफ डिमांड में प्रॉब्लम थी और यही लॉ ऑफ सप्लाई में प्रॉब्लम है। लॉ ऑफ डिमांड भी सिर्फ प्राइस को ही ध्यान में रखता है और बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट कर देता है, यहां पे भी यही प्रॉब्लम है। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट इफ प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई आल्सो इंक्रीजेस, इफ प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस। जैसे प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, क्योंकि एक सप्लायर जो है वो ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सप्लाई करना चाहता है, कम प्राइस पे कम। तो लॉ ऑफ सप्लाई लॉ ऑफ डिमांड का बिल्कुल उल्टा है, वहां प्राइस अगर ज्यादा होती है तो डिमांड कम होती है, प्राइस कम होती है तो डिमांड ज्यादा होती है। यहां अगर प्राइस ज्यादा होती है तो सप्लाई भी ज्यादा होती है, प्राइस कम होती है तो सप्लाई भी कम हो जाती है। तो लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो पूरी तरीके से सिर्फ किस पे काम करता है? वो काम करता है प्राइस ऑफ गुड्स पे, बाकी चीजों को बिल्कुल भी इग्नोर कर, बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। खैर, वापस से आते हैं डिटरमिनेंट्स पे। दूसरा जो डिटरमिनेंट है वो है गोल ऑफ फर्म,
देखिए हर फर्म के अलग अलग गोल होते हैं। कुछ फर्म्स है जिनका गोल होता है, जिनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो दे वांट टू सप्लाई हायर क्वांटिटी। कुछ फर्म्स है जिनका ऑब्जेक्टिव अपने आप को मार्केट में स्टेबल करना है। स्टेबल करने का मतलब नया प्रोडक्ट है मार्केट में, स्टेबल करने के लिए हमें बड़ा सोच समझ के सप्लाई करनी पड़ती है, एक्सेस भी नहीं कर सकते वरना प्राइस गिर जाएगी, और बहुत कम सप्लाई भी नहीं कर सकते वरना प्राइस जो है बहुत ज्यादा हाई पहुंच जाएगी और शायद हमारे प्रोडक्ट की मार्केट से डिमांड ही खत्म हो जाए। तो ये आपके गोल पर डिपेंड करता है। किसी का एम्प्लॉयमेंट मैक्सिमाइजेशन है, सो दे वांट टू प्रोड्यूस हायर क्वांटिटी जिससे कि ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। तो हर फर्म का अपना अपना प्रॉफिट या अपना अपना जो भी मोटिव होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, गोल होगा, उससे डिसाइड होगा कि फर्म की सप्लाई कितनी होगी, यानी फर्म के प्रोडक्ट्स की सप्लाई कितनी होगी। हाँ, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज द की फैक्टर। डिमांड में भी मैंने यही कहा कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं लेकिन प्राइस जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। खास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके लिए तो प्राइस सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। तीसरा क्या है? तीसरा है बेटा इनपुट प्राइसेस। अब यहां इनपुट प्राइसेस का मतलब क्या है? इनपुट प्राइसेस का मतलब है कि जो इनपुट आप यूज कर रहे हो, जैसे लेबर है, रॉ मटेरियल है, कैपिटल है, ये सब इनपुट कहलाते हैं। ये जो इनपुट है इनकी प्राइस क्या है? अगर मान लीजिए जिन इनपुट को यूज करके आप अपना प्रोडक्ट बनाते हो उनकी प्राइस मार्केट में बढ़ रही है, तो फिर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई भी कम हो जाएगी क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, और अगर उनकी प्राइस कम होगी तो आपकी सप्लाई भी बढ़ जाएगी क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से है टेक्नोलॉजी। अगर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, कम समय में ज्यादा क्वांटिटी मैन्युफैक्चर की जा सकती है, तो आप ज्यादा सप्लाई करेंगे, अदरवाइज आप कम सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर है गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर कह रहा हूं बार बार, ये सारे सेकेंडरी फैक्टर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सेकेंडरी फैक्टर्स, तो ये प्राइस पर, सॉरी, ये सप्लाई की क्वांटिटी पर इफेक्ट डालते हैं क्वांटिटी पर इफेक्ट डालते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं डालते। प्राइस जो है वो इतना इतना मतलब इतना इंस्टेंटली काम करता है कि प्राइस को अगर आपने जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाया, इंस्टेंटली आपकी जो है डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी, या वाइस वर्सा। तो बाकी फैक्टर्स हैं वो स्लो मोशन में काम करेंगे, जिस दिन वो अराइज होंगे उसके बाद उसका इफेक्ट आने में थोड़ा सा टाइम लगता है, राइट। सो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज का मतलब अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आपके फेवर में है, जैसे आपके प्रोडक्ट के लिए गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है या टैक्स की रेट आपके प्रोडक्ट के लिए अगर कम है, ठीक है, तो उस केस में आपके प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होगी क्योंकि सब्सिडी मिल रही है गवर्नमेंट से, तो आपको एक तो मार्केट में हम कस्टमर से कम पैसा लेंगे, बाकी तो गवर्नमेंट हमको दे रही है ना सब्सिडी, तो प्राइस वैसे कम हो गई, सेल प्राइस आपने तो सेम रखी लेकिन कंज्यूमर को सस्ता पड़ा, तो ज्यादा डिमांड होगी मार्केट में। टैक्सेस कम है तो भी ज्यादा डिमांड होगी। सो दे आर द मल्टीपल फैक्टर्स जो हम लोगों को गवर्नमेंट पॉलिसीज के केस में जो आपके प्रोडक्ट की सप्लाई के ऊपर क्या डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर, एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइजेस। अगर प्राइजेस के बढ़ने की उम्मीद है सप्लायर को ना, तो मालूम है वो कम सप्लाई करेगा। यदि आपको लगता है फ्यूचर में प्राइजेस बढ़ने वाली हैं, तो उस केस में आप कम सप्लाई करोगे, और अगर आपको क्योंकि आप फ्यूचर में सप्लाई करना चाहोगे ना, आप अभी क्यों करोगे, आपको फ्यूचर में सप्लाई करना ज्यादा फेवरेबल लगेगा तो आप फ्यूचर में सप्लाई करोगे, और अगर आपको लगता है फ्यूचर में प्राइजेस कम होने वाली है तो आप मालूम है क्या करोगे, अभी सप्लाई ज्यादा करो क्योंकि आप चाहते हो अभी महंगी प्राइस उस पर बिक जाए, ठीक है ना। तो फ्यूचर प्राइसेस इंपॉर्टेंट। ये जो अदर सेकेंडरी फैक्टर्स मैंने लिखे ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो ये वाला होता है, लेकिन इसमें भी आप एक चीज देखेंगे तो ये भी देखो अल्टीमेटली किस पर आ गया, प्राइस। हमारे इंडिया में या किसी भी डेवलपिंग कंट्री में प्राइस, मैंने कहा ना, हमेशा की फैक्टर होता है। तो इन सब में से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दो ये है सेकेंडरी फैक्टर लेकिन है इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें भी क्या आ रहा है, प्राइस आ रहा है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो गया। और देखें प्राइस ऑफ अदर कमोडिटीज, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम है
तो आपके प्रोडक्ट की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि आपके सब्स्टिट्यूट जो है आपके प्रोडक्ट का उसकी प्राइस कम है, तो लोग ज्यादा वो खरीदेंगे ना, आपके प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, डिमांड कम हो गई तो फिर आपकी सप्लाई भी कम हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके सब्स्टिट्यूट की प्राइस ज्यादा है तो नेचुरली लोग उसको कम खरीदेंगे, आपके प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे, और आपके प्रोडक्ट को अगर ज्यादा खरीदेंगे तो ऐसे केस में फिर आपके प्रोडक्ट की सप्लाई ज्यादा होगी। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नंबर ऑफ सप्लायर, नंबर ऑफ सप्लायर इन मार्केट, ये कितने हैं ये भी हमें देखना पड़ेगा। यदि मार्केट में बहुत सारे सप्लायर हैं तो सप्लाई ज्यादा होगी, आपकी सप्लाई कम हो सकती है लेकिन ओवरऑल सप्लाई तो ज्यादा ही होगी ना। ठीक है, और अगर कम सप्लायर हैं तो सप्लाई कम होगी। इसके अलावा नेचुरल फैक्टर्स जैसे क्या नाम है, नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, कोई बाढ़ वगैरह आ गई, आंधी तूफान अलाव, तो उसकी वजह से भी आपका प्रोडक्शन अफेक्ट हो सकता है। आई बस में ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारे वो डिटरमिनेंट्स हैं जिनसे हमारे प्रोडक्ट की जो है सप्लाई डिसाइड होती है। दे ऑल आर सेकेंडरी फैक्टर्स, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, यहां तक है, दे ऑल आर सेकेंडरी फैक्टर्स, दे ऑल आर सेकेंडरी फैक्टर्स। ठीक है बेटा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। लॉ ऑफ सप्लाई मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं यहां पे, और अब एक छोटा सा पॉइंट है, वो है सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन अच्छा होता है ना, डिमांड फंक्शन पढ़ा था ना आपने, डिमांड फंक्शन में वो कहता है कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड सारे फैक्टर से इफेक्ट होती है। ठीक है, इसी तरीके से सप्लाई फंक्शन में भी हम लॉ, इसलिए मुझे लॉ ऑफ सप्लाई के कंपैरेटिवली सप्लाई फंक्शन ज्यादा अच्छा लगता है, लॉ ऑफ डिमांड के कंपैरेटिवली में डिमांड फंक्शन ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि डिमांड फंक्शन क्या बोलता है, डिमांड फंक्शन कहता है कि आप किसी प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ प्राइस से डिसाइड नहीं होती। ठीक है, और इसी तरीके से सप्लाई फंक्शन क्या बताता है, ये बताता है आपको रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड इट्स डिटरमिनेंट्स। ठीक है बच्चों, इनके बीच का रिलेशनशिप आपको कौन बताता है, सप्लाई फंक्शन बताता है। एक तो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई मतलब टोटल आपकी सप्लाई कितनी रहेगी, और इट्स डिटरमिनेंट्स यानी ये सारे डिटरमिनेंट्स, इनके बीच का रिलेशनशिप। और इनके बीच के रिलेशनशिप में जैसे सप्लाई में, लॉ ऑफ सप्लाई में तो मैंने आपको रूल बना के बता दिया, प्राइस बढ़ेगी डिमांड सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगी, लेकिन यहां ऐसा कोई रूल नहीं बता सकता क्योंकि यहां पे हर एक डिटरमिनेंट अलग अलग रिएक्ट करता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा फ्यूचर में प्राइसेस के बढ़ने की उम्मीद है, तो आज सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि हम फ्यूचर में ज्यादा सप्लाई करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम इनपुट प्राइसेस देखें उनकी प्राइस आज कम है तो हम सप्लाई ज्यादा करना चाहेंगे। तो आपको सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर अल्टीमेटली एक कंक्लूजन पर पहुंचना होता है, सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखकर कि हमारी एग्जैक्टली सप्लाई कितनी आएगी। राइट, सो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई एंड इट्स डिटर्मिनेंट, इसके बीच का जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सप्लाई फंक्शन। अरे बेटा बात समझ में, यहां तक तो कोई डाउट अगर है तो बता दीजिए। चलिए अब चलते हैं बेटा इसके आगे, सप्लाई शेड्यूल। बिल्कुल सिंपल है, जैसे आपने डिमांड पढ़ा ना बिल्कुल वैसे ही है। सप्लाई में कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं मिलने वाली है जो कि डिमांड से अलग है, बिल्कुल आसान से कॉन्सेप्ट है सप्लाई के। ठीक है, ये कौन से नंबर की चीज है, ये हो गई थर्ड, थर्ड है सप्लाई शेड्यूल। आपको अगर याद हो तो हमने आपको बताया था डिमांड के केस में कि हमें ये मालूम करना होता है कि हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड कितनी है, तो हम लोग एक सर्वे करते हैं, तो एक डिमांड शेड्यूल बनता है जिसमें एक ही बायर से पूछते हैं कि वो हमारी किस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी खरीदेगा। मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है जहां पर हम बहुत सारे बायर से पूछते हैं। अब नेचुरली बहुत सारे का मतलब सारे बायर से तो नहीं पूछ सकते, बट अनडाउटेडली थोड़ी ज्यादा क्वांटिटी में हम लोग बायर से पूछते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड अलग अलग बायर्स को है, फिर एक मिलाकर हम लोग डिमांड शेड्यूल बनाते हैं। कुछ ऐसे सप्लाई में है, सप्लाई शेड्यूल आपको बताता है
क्वांटिटी ऑफ सप्लाई मेड एट डिफरेंट प्राइजेस, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई ऑफ एनी गुड्स मेड एट डिफरेंट प्राइजेस, अलग अलग प्राइजेस पे आपकी क्वांटिटी कितनी सप्लाई होगी। सप्लाई शेड्यूल जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, और एक होता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल क्या बताएगा आपको, सप्लाई ऑफ अ फर्म, एक फर्म की एट डिफरेंट प्राइजेस, ठीक है बेटा, और ये क्या बताएगा, सप्लाई ऑफ वेरियस फर्म्स एट डिफरेंट प्राइजेस। तो यहां पर हम लोग जैसे किसी प्रोडक्ट की प्राइस है ₹5, उसकी सप्लाई है मान लीजिए 100, प्राइस हमने 4 करी, सप्लाई और कम हो गई, प्राइस हमने और कम करी, सप्लाई और कम हो गई, प्राइस कम करी, सप्लाई कम हो गई, ₹1 की प्राइस पर 20 ही रह गई, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगी। यहां पर बस इतना सही है, यहां पर ये प्राइस है और यहां पे फर्म एक्स, फर्म वाई, फर्म जेड, तो ऐसी आपने बहुत सारी फर्म्स की प्राइस यहां पे 5, 4, 3, 2, 1, इसकी सप्लाई 100, एक 80, 60, 40, 20, इसकी सप्लाई मान लीजिए 115 है, इसकी 95 है, एंड सो ऑन, इसकी जो है 80, 90 हो गई सप्लाई 115 से, इसकी सप्लाई जो है वो रह गई 76, इसकी सप्लाई है 71, और ये है मान लीजिए 656, ये है 47, दिस इज लाइक 38, एंड सो ऑन, इट इज 26, इट इज 70। सो दिस इज हाउ द सप्लाई इज इंक्लाइंड और डिक्रीज्ड, और लाइक फॉर द डिफरेंट फर्म्स इट इज डिफरेंट, ओके। सो ये कहलाता है हमारा सप्लाई शेड्यूल। अच्छा, सप्लाई का अगर आप चार्ट बनाएंगे ना, इंडिविजुअल सप्लाई का या टोटल का, सो सप्लाई चार्ट वैसे तो हम पीछे बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी इट लुक्स लाइक दिस। व्हाई? बिकॉज सप्लाई जो है वो प्राइस के बढ़ने के साथ साथ सप्लाई इंक्रीज होती है, प्राइस के कम होने के साथ साथ सप्लाई भी कम होती जाएगी। तो जैसे ये हमारी प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल अभी मान लेते हैं, तो जैसे ही हमारी प्राइस बढ़ी, सप्लाई भी हमारी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाएगी। पहले ₹2 की प्राइस थी, तो सप्लाई हमारी मान लीजिए 20 क्वांटिटी थी, ₹3 की हो गई तो 30 हो गई। और अगर हमने प्राइस को ₹4 कर दिया तो 40, ठीक है, 5 से 50, एंड सो ऑन। सो दिस इज योर सप्लाई शेड्यूल एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ठीक है बेटा, चले आगे, बहुत बढ़िया। अब आती है चौथी चीज। चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है आपका एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब बिल्कुल जैसा मैंने कहा, डिमांड में हमने पढ़ा, बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं है। दो चीजें हैं, एक होता है एक्सटेंशन और एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। एक होता है इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई, ठीक है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन सप्लाई। दोनों ही केस में, एक्सटेंशन में और इंक्रीज में बेटा कोई फर्क नहीं होता, इसमें भी सप्लाई इंक्रीजेस और इसमें भी सप्लाई इंक्रीजेस। अब दोनों में ही सप्लाई बढ़ रही है,
पर यहां आप लिख रहे हो इंक्रीज या एक्सटेंशन, ये क्यों? ये है सप्लाई इंक्रीजेस ड्यू टू प्राइजेस ऑफ गुड्स, तो उसको बोलेंगे एक्सटेंशन, और यहां ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अभी आपने बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े, उन डिटर्मिनेंट्स में अगर प्राइस किसी प्रोडक्ट की बढ़ती है और इसलिए सप्लाई बढ़ रही है तो उसको हम बोलेंगे एक्सटेंशन। अदर फैक्टर्स की वजह से, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ लेकिन अदर फैक्टर्स अगर बढ़ रहे हैं या उनकी वजह से सप्लाई चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो उसको बोलेंगे इंक्रीज। सेम कॉन्ट्रैक्शन में सप्लाई अगर आपकी डिक्रीज हुई, ठीक है, सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू प्राइजेस, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन बोलना, सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू अदर फैक्टर्स, तो उसको क्या बोलेंगे, डिक्रीज बोलेंगे, बस इतना सा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, दोनों के कर्व में फर्क है। दोनों के कर्व में क्यों फर्क है? क्योंकि बेटा हम लोग जो कर्व बनाते हैं उसमें हम लोग ओ एक जो एक्सेस है इस पर लेते हैं क्वांटिटी अनडाउटेडली, और वाई एक्सेस पे हम लेते हैं प्राइस। यहां पे भी ऐसा ही होगा। अब लेकिन यहां पे सप्लाई आपकी इंक्रीज डिक्रीज होगी तो प्राइस तो यहां है ही नहीं, मतलब प्राइस का तो रीजन ही नहीं है। दिस इज योर क्वांटिटी ओ एक्सेस और वाई एक्सेस। अब यहां तो क्या हो रहा है, आपकी सप्लाई में जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो प्राइस की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यहां तो देखो ना, प्राइस बढ़ रही है इसलिए सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस कम हो रही है इसलिए सप्लाई कम हो रही है, यहां ऐसा नहीं है। ठीक है, आ रही बात सुने बेटा? देखो सप्लाई, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा क्योंकि यहां तो आपकी क्वांटिटी, अब यहां पे क्या ना डिमांड, इसको क्यों एक्सटेंशन कॉन्ट्रेक्शन बोलते हैं, देखो आपका सप्लाई कर ओरिजिनली हमारी सप्लाई ये थी मान लीजिए, ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 300 400 500। जब 4 रुपए की प्राइस थी तो आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई थी वो 400 थी, प्राइस बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ेगी। अब आपको नया डिमांड कर नहीं बनाना है, उसी डिमांड कर को आपने एक्सटेंड कर दिया, प्राइस आपकी गिरी 4 से 3 हुई तो सप्लाई भी गिर गई, तो हमें नया कर नहीं बनाना, उसी डिमांड उसी सप्लाई कर को हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसका कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, डिक्रीज कर दिया, यानी सेम सप्लाई कर। ओके, यहां पे व्हेन सप्लाई एक्सटेंड, ठीक है, यहां पे व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस लिखते हैं और डिक्रीज, सेम सप्लाई कर्व एक्सटेंडेड और कॉन्ट्रैक्टेड, लेकिन यहां आपको बार बार नया सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा, यहां आपको नया सप्लाई कर्व बनाना पड़ेगा बार बार। यानी यदि ओरिजिनली, क्योंकि सप्लाई कर्व आपका ओरिजिनली ये था, ठीक है, अब ये वाला क्यों था हमारा, ये वाला इसलिए था क्योंकि हम लोगों ने ये वाला इस प्राइस पर हमारी सप्लाई ये चल रही थी, मान लीजिए प्राइस हमारी है 1 2 3 4 5 6 7 और ये है 100 200 300 400। अब आपकी सप्लाई जो है वो हो गई 500, लेकिन प्राइस में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ, तो आपको नया सप्लाई कर बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको नया सप्लाई कर बनाना पड़ेगा। तो यहां पे व्हेन सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज न्यू सप्लाई कर्व, ठीक है, न्यू सप्लाई कर्व, दैट इज शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, यहां पे आपको ये करना पड़ेगा। ठीक है,
ये आपको ध्यान में रखना है, बस इतनी सी बात है। और जैसे हम लोगों ने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, वैसे ही हमारे पास एक टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, छोटा सा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नाउ व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई? इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज, जो सेम चीज हमने वहां पर पढ़ी, प्रपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ड्यू टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। अच्छा, यहां तो आपको याद होगा डिमांड में तो तीन मेजर फैक्टर थे, एक तो प्राइस ऑफ गुड्स, एक इनकम ऑफ कंज्यूमर, तीसरा था क्रॉस इलास्टिसिटी। यहां तो वो भी नहीं है, यहां तो एक ही है, प्राइस इलास्टिसिटी ही होता है। तो इसलिए हम लोगों ने यहां पर एक ही लिखा है कि प्राइस में जितना चेंज होगा उसके प्रपोर्शन में इलास्टिसिटी सप्लाई में कितना चेंज हो रहा है। प्रपोर्शनल इसलिए बोला परसेंटेज, यानी अगर मान लीजिए ये तो पता है प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, ये तो पता है प्राइस कम होगी तो सप्लाई कम होगी, ये तो लॉ ऑफ सप्लाई है। कितने परसेंट प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई कितने परसेंट चेंज होती है, कितने परसेंट प्राइस गिरती है तो सप्लाई कितने परसेंट गिरती है, ये जो है इसको कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। कितने परसेंट प्राइस बढ़ेगी तो कितने परसेंट सप्लाई इंक्रीज होगी, या कितने परसेंट प्राइस गिरती है तो कितने परसेंट सप्लाई डिक्रीज होगी, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये इसलिए मालूम करना जरूरी है क्योंकि सप्लाई शेड्यूल से आपको अलग अलग प्राइस पर अलग अलग सप्लाई का पता चल गया, लेकिन हम कितने पे कैलकुलेट कर लेंगे, चार प्राइस, पांच प्राइस, जैसे प्रोडक्ट की प्राइस ₹5 तो मैं चार पे मालूम कर लूंगा, तीन पे मालूम कर लूंगा, छह पे मालूम कर लूंगा, सात पे मालूम कर लूंगा, लेकिन अब हर एक पे तो मैं कैसे निकालूंगा, आठ पे भी। तो हमने एक फॉर्मूला बना दिया कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमने ये कैलकुलेट करा और इसको कैलकुलेट करने के बाद पता चला कि अगर प्राइस 20% से बढ़ती है तो सप्लाई 25% से इंक्रीज हो जाती है, या प्राइस अगर 10% से कम होती है तो सप्लाई हमारी 8% से कम हो जाती है, या 15% से कम हो जाती है, या 10% से कम होती है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, दैट इज प्रपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई ड्यू टू द प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ये जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और मेजरमेंट करते हैं इलास्टिसिटी का, तो टाइप्स जो आएंगे वो पांच हैं, जैसे हमने वहां पढ़े थे वैसे यहां पे भी पांच हैं। पांच कौन कौन से हैं, बड़े सिंपल से हैं। पहला होता है यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिटरी इलास्टिसिटी का मतलब प्रपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज इक्वल्स टू प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। यानी अगर प्राइस, ये कंफर्म है, इसको पढ़ते पढ़ते कहीं लॉ ऑफ सप्लाई को नहीं भूल जाना। लॉ ऑफ सप्लाई तो चलेगा साथ में, प्राइस बढ़ेगी सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम होगी सप्लाई कम होगी, ये तो साथ चले गई। पर अगर 20% प्राइस बढ़ती है और 20% ही सप्लाई बढ़ गई, या 20% प्राइस कम होती है और 20% ही सप्लाई कम हो गई, इसे बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी। और इसको हम लोग दिखाते हैं इज इक्वल्स टू 1 से। ठीक है, सो देयर इज अ इक्वल, देयर इज एन इक्वल चेंज इन सप्लाई एंड प्राइस। सेकेंड ये आता है रिलेटिवली इलास्टिक। रिलेटिवली इलास्टिक मतलब प्रपोर्शनेट चेंज जो है ये वाला इज ग्रेटर देन ये, यानी सप्लाई में जितना चेंज होगा, सॉरी प्राइस जितना चेंज होगा सप्लाई में उससे ज्यादा चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर प्राइस 20% बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी कंफर्म है, लेकिन कितनी बढ़ेगी, 20% से ज्यादा, 22, 25, 30, 40, 50, कितनी भी। उल्टा प्राइस अगर 20% से डिक्रीज होगी फॉर एग्जाम्पल, तो सप्लाई भी हमारी 20% से ज्यादा से डिक्रीज होगी। यानी अगर प्राइस 20% गिरी तो सप्लाई हमारी गिरेगी 40%, 35%, 25%, 23%, लेकिन 20 से ज्यादा रहेगा। इसी तरीके से होता है रिलेटिवली इनइलास्टिक। रिलेटिवली इनइलास्टिक यहां पर प्रपोर्शनेट चेंज इज लेस देन प्रपोर्शनेट चेंज इन प्राइस।
प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, ये तो लॉ ऑफ सप्लाई है, पर प्राइस बढ़ रही है ज्यादा, प्रोपोर्शनल चेंज इन सप्लाई उतना नहीं है। जैसे प्राइस 20% बढ़ी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, पर 18% 15 17 10 5, यानी जितने परसेंट सप्लाई बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही, उतने परसेंट सप्लाई नहीं बढ़ती, राइट। यहां पे इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, यहां पे इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है बेटा। और क्या होता है, एक होता है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक क्या मतलब, चेंज इन सप्लाई बट नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं है लेकिन फिर भी सप्लाई इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज, तो बेटा यहां इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू इंफिनिटी, यानी बिना प्राइस में चेंज के भी सप्लाई कम या ज्यादा हो रही है तो वो कहलाता है इंफिनिटी। और उल्टा कर लेते हैं इसका थोड़ा सा, परफेक्टली इनइलास्टिक, तो ये क्या है, ये चेंज इन सप्लाई बट सॉरी नो चेंज इन सप्लाई बट प्राइस इज चेंजिंग, प्राइस चेंज हो रही है, कम भी हो रही है बढ़ रही है लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा, ये कहलाता है इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये पांच तरह की इलास्टिसिटी है। अच्छा, यहां ऊपर वाले फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो आप इसको कैसे डिनोट करोगे, डिनोट करने का तरीका बताता हूं। प्रोपोर्शनल चेंज इन सप्लाई कैसे निकालते हैं, अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो पीछे हमने बहुत डिस्कस किया था, न्यू सप्लाई माइनस ओल्ड सप्लाई होल डिवाइडेड बाय ओल्ड सप्लाई, ठीक है बेटा। और अगर टेक्निकली बात करें तो दिस एस और एस, यहां पे न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस होल डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस, अगर टेक्निकली डिनोट करें तो दिस, ठीक है बेटा। बस तो ये आपको ध्यान में रखना है, सिंपल सा है। इसके बाद में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट से हमारा मतलब है कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पे फर्क पड़ता है, राइट, या ऐसे बोलें कि हाउ फैक्टर्स विच डिटरमाइंस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, विच डिटरमाइंस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे इलास्टिसिटी पे फर्क पड़ सकता है। तो सबसे पहला नेचर ऑफ कमोडिटी, सबसे इंपॉर्टेंट नेचर ऑफ कमोडिटी। देखो बेटा, कमोडिटी के नेचर से भी सप्लाई, जैसे अगर पेरिशेबल नेचर की गुड्स हैं तो उनकी सप्लाई कम इलास्टिक होती है, क्योंकि अगर उनकी कम इलास्टिक क्यों है, अगर उनकी प्राइस बढ़ेगी तो भी हम सप्लाई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, राइट। उनकी इलास्टिसिटी कम नहीं, इलास्टिक नहीं होती, ऐसा नहीं बोल रहा, इलास्टिसिटी कम होती है, क्योंकि देखो पेरिशेबल नेचर की गुड्स जल्दी खराब हो जाती हैं और एकदम से इंस्टेंटली उनको नहीं बनाया जा सकता। तो पेरिशेबल नेचर की जो गुड्स है उनमें अगर प्राइस में चेंज होगा भी, यानी प्राइस अगर इंक्रीज हुई भी तो सप्लाई इंक्रीज होगी लेकिन उतनी नहीं होगी जितनी की प्राइस इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो लेकिन अगर कोई ड्यूरेबल नेचर की गुड्स हैं तो अनडाउटेडली उसकी प्राइस में जरा सा भी चेंज होगा सप्लाई में बहुत ज्यादा चेंज होगा, क्योंकि वो ड्यूरेबल नेचर की गुड्स हैं, लॉन्ग टर्म में बनाने वाली गुड्स हैं उसमें। सेकंड, टाइम फैक्टर काफी हद तक ऊपर वाले से जुड़ा हुआ है। यदि किसी प्रोडक्ट में सप्लाई करने के लिए शॉर्ट पीरियड है, ज्यादा टाइम नहीं है, सप्लाई तुरंत करनी पड़ती है, इलास्टिसिटी कम होगी, क्योंकि शॉर्ट पीरियड में मैं सप्लाई कैसे बढ़ाऊंगा, आप मुझे 100 रुपए के 150 रुपए दे भी दोगे, यानी प्राइस आपने 50% से इंक्रीज कर दिया, पर मैं इतने शॉर्ट पीरियड में सप्लाई नहीं बढ़ा सकता तो इलास्टिसिटी कम होगी। लेकिन अगर कहीं पर किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए आपके पास में इनफ टाइम है तो वहां पे अगर प्राइस बढ़ेगी तो मेरे पास टाइम तो है ही ना सप्लाई बढ़ाने का, तो मैं तो सप्लाई बढ़ाऊंगा ही ना, क्योंकि लॉ ऑफ सप्लाई कहता है हायर प्राइस हायर सप्लाई, या प्राइस इंक्रीज होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी और टाइम भी बहुत है, राइट। इसी तरीके से और क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट फैक्टर्स,
अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट फैक्टर्स, इसका मतलब जिन फैक्टर्स को यूज करके हम लोग उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, यदि वो प्रोडक्ट के लिए जो रॉ मटेरियल है, जो क्या नाम है, कैपिटल है, लेबर है, वो इजीली मिल जाता है, तो मालूम है उसमें क्या होगा, सप्लाई को बढ़ाना आसान होता है। तो जैसी प्राइस बढ़ेगी ना, मैं जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन उनको तुरंत अरेंज करूंगा, और तुरंत अरेंज करके इमीडिएटली मैं क्या कर दूंगा, उन्हें सप्लाई बढ़ा दूंगा। लेकिन अगर मान लीजिए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इजीली अवेलेबल नहीं होता, जो प्रोडक्ट हम बनाते हैं उसके लिए लेबर इजीली अवेलेबल नहीं है, या उसके लिए मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता, तो अगर उसकी प्राइस बढ़ भी जाएगी तो मैं तुरंत उसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ज्यादा है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज्यादा है, तो उस केस में उस प्रोडक्ट की सप्लाई को बढ़ाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि देखो सप्लाई बढ़ाने के लिए मुझे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा ना, तो मैं सप्लाई इंक्रीज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसी प्राइस बढ़ी मार्केट में तुरंत सप्लाई बढ़ाती, ठीक है। नेचर ऑफ इनपुट, ये बेटा ऊपर वाले जैसा ही है, यानी फोर्थ नंबर का पॉइंट है, सेम ही है, अलग नहीं है। एंड रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, यदि आपके एंटरप्रेन्योर के रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत अच्छी है और वो रिस्क लेने से डरता नहीं, तो जैसी मार्केट में प्राइस बढ़ेगी वो सप्लाई बढ़ा देगा। लेकिन अगर किसी रिस्क लेने की कैपेसिटी कम है तो फिर उस केस में वो डरता है प्राइस बढ़ने के बाद भी सप्लाई बढ़ाने से, क्योंकि उसे लगता है शायद नहीं बिका। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो कि किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई की इलास्टिसिटी पे फर्क डालते हैं। एंड दैट्स ऑल अबाउट सप्लाई। सप्लाई के बारे में सारी चीजें हम लोगों ने यहां कवर करी। क्विक रिवीजन आप करके जाइएगा, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर सप्लाई का आता है तो आप इजीली अटेंड कर पाएंगे, राइट? सो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।